नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरें लेकर। कलंक का ट्रेलर रिलीज और इस ट्रेलर को बहुत सारे मिलियंस व्यूज मिलने के लिए तैयार हैं। सलमान खान ने खुद को बताया शिव भक्त, दबंग 3 लेकर जा सकते हैं यूपी। कपिल के शो में रिक्शा लेकर आएंगे निरहुआ केसारी ने मचाया धमाल। कुणाल ने कहा अजय देवगन को अपना हम शक्ल एक्टर बोले, चलो डबल रोल करते हैं। अब अगली खबर आई है बॉलीवुड की दुनिया से कि कंगना रनौत का अनुराग बासु के साथ काम करने से किया इनकार। निर्देशक बोले आगे जरूर काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक में फिल्म की डेट आगे बढ़ी, 12 अप्रैल को सिनेमाज में देगी दस्तक। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक और पूछा किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हो नेहरू, उन्हीं को दूंगी वोट। 3 हफ्ते के लिए रोक दी गई 400 करोड़ी फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग, वजह बहुत ही ज्यादा दुखद है। परिणीति चोपड़ा की एंट्री से घटा साइना की बायोपिक का क्रेज। प्रियंका निक की ट्रिक भी नहीं आ रही काम। सलमान खान के भांजे पर ट्रोलर ने किया भद्दा कमेंट, करारा जवाब देकर बोलती बंद कर दी सलमान ने। फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट कर यूजर्स के निशाने पर आई सारा अली खान, फैंस ने कहा ये क्या भोगाल है। आमिर की ऑन स्क्रीन बेटी फातिमा शेख ने फिर उड़ेला दर्द, बोली बचपन से मेरा यौन शोषण हो रहा है। दिव्या भारती की मौत के बाद फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान घटी थी अजीब सी घटना, डर से सहम गए थे लोग। ट्रिपल आर की शूटिंग में घायल हुए साउथ के सुपरस्टार रामचरण बाहुबली डायरेक्टर ने किया पैकअप। शाहरुख खान को पसंद आया फिल्म कलंक का टीजर, जमकर की वरुण की तारीफ। देश प्रेम पर बनने वाली फिल्मों पर बोले जॉन अब्राहम और कहा बहुत जायज है। राजकुमार राव हुए भावुक, बोले दर्शकों का मनोरंजन करना सबसे बड़ा पुरस्कार। फराह खान ने किया ऐलान, जल्द ही डायरेक्ट करेंगे बिग बजट म्यूजिकल फिल्म। पीएम नरेंद्र मोदी के विराट विरोध पर बोले विवेक ओबेरॉय, चौकीदार के डंडे से डर गए हैं कुछ लोग। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।